अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहु। हकीम नफ्सी आज औरतों की जो ठुआ की बीमारी है जिसकी वजह से बांझपन या लात का ना होना, आपको यह नुस्खा तबीब मखदूम बाबा सदीक रंगशावली की तरफ से नायाब और आला किस्म का है। इस नुस्खे से तमाम अठा की बीमारियाँ जो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी फ़कीरी नुस्खा है और फकरा आला का नुस्खा है। इससे औरत की हर तरह की मर्ज शिफाए पाती है। जी वो नुस्खा ये है कि आपने 50 ग्राम इलायची लेनी है, सब्ज़ इलायची 50 ग्राम लेनी है, 50 ग्राम आप मिर्चा लेनी है और 50 ग्राम आपने अजवाइन लेनी है और इसके अलावा आपने 50 ग्राम आपने गिरी बादाम लेनी है और रोज़ाना पड़ा हुआ सूरत यासीन का आपने पानी लेना है। जी आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पाउडर बना के सेव कर लेना है। पाउडर जब बन जाए तो आपने इसको सुबह नहाए मुंह पाक वुज़ू के साथ सूरत यासीन पढ़नी है। सूरत यासीन पढ़ने के बाद उसको पानी में दम करना है। दम करने के बाद आपने एक चाय वाला चम्मच सुबह नहाए मुंह सूरत यासीन पानी से इस्तेमाल करना है और एक चम्मच आपने रात को सोते हुए सूरत यासीन पानी से खाना है। इंशाल्लाह ताला इससे तमाम जो ठुआ की बीमारी वो कुदरती तौर पे ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद वो मर्द नहीं होगी। इस बुज़ुर्ग पर ये जो नुस्खा है ये ठुआ की तमाम बीमारी को ख़त्म करता है और जो अल्लाह ताला के भरोसे पे इसको इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह ताला उस पे शफा अनुजात हासिल करते हैं।